स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा फार्मूला है, ये है ए माइनस बी का होल मकब। तो हमने जो है इसको सॉल्व करना है। तो ये जो है ए माइनस बी का होल मकब है, तो हमने ए माइनस बी 3 टाइम लिखना है। ए माइनस बी इज इक्वल टू, इधर इसको लिख दो, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए की 3 माइनस 3 ए बी, ए माइनस बी माइनस बी की 3। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाता है ए माइनस 2 ए बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, और ये वाली ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए की 3 माइनस 3 ए बी, ए माइनस बी माइनस बी की 3। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ए ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ए की 3। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 ये ए है तो क्या आ जाएगा, 2 ए की 2 बी। उसके बाद ये प्लस तो ये आ जाएगा ए बी की 2, ए बी की 2। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ए की 2 माइनस बी प्लस माइनस माइनस ए की 2 बी। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बी की 2, 2 एकम 2 ए, ये बी और ये बी, बी की 2। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस बी की 3 इज इक्वल टू ए की 3 माइनस 3 ए बी, ए माइनस बी माइनस बी की 3। तो अब इनको जो है प्लस माइनस कर लो, ये आ जाएगा ए की 3, ये माइनस 2 ए की 2 बी, और दूसरा कहाँ है, ये है माइनस ए की 2 बी, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 और 1 3 ए की 2 बी। उसके बाद ये है इधर जो है बी की 2, ये है 1 और दूसरा बी की 2 जो है ये है ए बी की 2। जब आपने जो है इसके साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये प्लस माइनस प्लस का आया था, प्लस ये जो है प्लस का है, ये प्लस का, ये प्लस का, तो ये भी प्लस का आएगा ए बी की 2। तो ये देखें ये क्या है प्लस और ये भी प्लस, तो 1 और 2 3 हो गए, 3 ए बी की 2, ए बी की 2, ये भी हो गया, ये हो गया, ये सारे हो गए, बाकी बच गया माइनस बी की 3 इज इक्वल टू ए की 3 माइनस 3 ए बी, ए माइनस बी माइनस बी की 3। तो अब आपने जो है इनको तरतीब से लिख लेना है, ए की 3 माइनस, इधर से आपने 3 कॉमन ले लेना है, ए कॉमन ले लेना है और बी कॉमन ले लेना है, ये 3 दोनों में है, ये कॉमन आ गया, ए की 2 ए, ए कॉमन आ गया, बी, बी की 2 बी कॉमन आ गया। उसके बाद इधर क्या रह गया, 3 कॉमन आ गया, ए बी कॉमन आ गया, ए एक इधर आ गया, एक बाकी रह गया तो ए आ गया। उसके बाद प्लस 3 कॉमन, ए कॉमन, बी कॉमन, बी की 2 है तो बी बाकी रह गया, माइनस बी की 3 इज इक्वल टू ए की 3 माइनस 3 ए बी, ए माइनस बी माइनस बी की 3। अब आप मैच कर लो तो ये दोनों एक जैसे हैं। तो जो है हम इसको इस सूरत में भी लिख सकते हैं। और ये जो फार्मूला है, अगर आपने ध्यान से देखा है तो ये आपको कंप्लीट याद हो जाएगा और आपको कभी नहीं भूलेगा। और अक्सर औकात यही होता है कि बच्चे रट्टा लगा 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 कर फिर भी जब बारी आती है सुनने सुनाने की तो वो भूल जाते हैं। तो आप इस मेथड से करें, खुद करें, आपको बिल्कुल कंप्लीट समझ आ जाएगी और कभी भी आपको फार्मूले नहीं भूलेंगे। Yes, I'm
be a woman. Yes, I be a baby. Yes, I be whatever that you tell me when you.